गया बेटा। अरे मुझे माफ कर दे बल्ला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। तुम सच में बल के धाम हो, मैं अंधो भय गया तो मैं तुम्हारी शक्ति दिखाई ना पड़ी। वासियों का जीवन संकट में है। दिनकासुर की असुरी शक्ति के प्रभाव में उनकी आत्मा, मन और स्वभाव असुरी हो गए हैं। अब इस अधर्म से आप ही उन्हें मुक्ति दिला सकती हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए माँ। हे परमावतार श्री कृष्णा, श्री हरि की सेवा से बढ़कर मेरे लिए कोई कार्य नहीं है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सृष्टि के नियंता नारायण की सेवा का मुझे परम सुख प्राप्त हो रहा है। पल्लव, आज भद्राज से एक ज्ञान की बात सीख लो। यदि कोई शत्रु तुम्हारे मोड़े पे प्रशंसा कर रो होवे तो जाकु प्रशंसा मत समझना, समझना तुम्हारे मोड़े पे मक्खन पोत रहे है। बाकू विश्वास न करना, बनना ऐसो काम मक्खन है जातो है। जी कहाँ है रोए? ये बिन मौसम बरसात कैसे है रही है? कैसा लग रहा है? अरे मैं यहाँ रुक रहे हो तुम तो मेरे काम मक्खन होने से मोए कोई न रोक सकेगा। चलो भद्राज, हो जाओ उड़न छू। दूध की वर्षा हमारी प्रार्थना सुन ली। चलो गोपी, फिर मत कहना कि मैंने तुमसे पूछा नहीं। चलो ग्वाली। चलो बहन जी, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो गया हम सबके साथ? ऐसा लगता है जैसे हम किसी के हाथ की काटपुतली बन गए। हाँ मैया, सभी उस दिन का सुर के असुरी शक्ति के प्रभाव में थे। धेनुकासुर कहाँ है वो असुर? दम काका, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप सब मुक्त हो गए हैं। सांबरे, तुमने ब्रिजवासियों के प्राण बचाकर हम पर जो उपकार किया है, हम उसके लिए सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। आज से मैं राधा और कान्हा का ही नहीं अपितु तुम्हारा भी दांव हूँ। और वैसे तो मैं अपने लड्डू किसी को नहीं खिलाता, किंतु मैं तुमको खिलाऊंगा, इससे तुम शक्तिशाली बनोगे। लो खाओ। लड्डू तक तो ठीक है दांव, किंतु इस सांवरे से अपनी मुद्गल मत बजवाने लगना। हाँ दांव, क्योंकि कान्हा की तरह सांवरा भी आपकी मुद्गल नहीं उठा सकता। गोपी बोलो ग्वाले, यदि तुम लोगों को लड़ना है तो कहीं और जाकर लड़ो, क्योंकि मैं यहाँ सांवरे से कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। किंतु मैं तो आपको बुलाने आया था। नहीं कान्हा, तुम लोग घर जाओ, मैं यहाँ सांवरे के साथ रहूंगा। ठीक है दाऊ, चलो गोपी। तुम जाओ ग्वाले, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने घर। मैया, हमें कामधेनु मैया की पूजा करनी है, गौ उत्सव मनाना है, ताकि हमारे जीवन में माँ कामधेनु की कृपा बनी रहे। तुम सत्य कह रहे हो कान्हा,
माता कामधेनु को कृपा से। मुझे पता था ये नक्षड़ी गोपी कहीं के लिए भी निकली, किंतु मुझ तक ही पहुंच जाती है। अनर्थ हो गया गोली। सारा अनर्थ तो गौ माता ने दूर कर दिया, अब कौन सा अनर्थ हो गया गोपी? वो दामू काका। दामू काका? दामू काका को क्या हुआ? क्या हुआ दामू को? क्या हुआ दामोदर को? वो गोवर्धन पर्वत की ओर जा रहे थे और अपना जीवन समाप्त करने की बात कर रहे थे। क्या? चलो। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, किंतु मेरे अपराधों का यही दंड है। मुझे मत रोको, मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, अधर्मी हूँ। मैंने नंद बाबा पे हाथ उठाया, नंद रानी के साथ दुर्व्यवहार किया, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, इससे बड़ा और क्या अपराध होगा काना? दामोदर, दामोदर जी, दामोदर नीचे आओ, नीचे आओ। दामोदर ये क्या कर रहे हो तुम नीचे? हाँ दामोदर जी, भगवान के लिए नीचे आ जाइए। दामोदर जी, ये सब आपको तनिक शोभा नहीं देता, क्या हम सब आपके कुछ नहीं? इसी का तो दुख है नंदरानी, कि आप अपने और मैंने आपके साथ ये व्यवहार किया। इस व्यवहार के लिए कोई क्षमा नहीं है नंदरानी। रामू काका, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको सबने क्षमा कर दिया है, आप नीचे आ जाइए, आज से आपको कोई भूल बुद्धि नहीं कहेगा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं संसार के सारे संकटों का सामना कर सकता हूँ, किंतु अपनी मैया को रोते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी महावन जाकर तुलसी का पौधा ले आता हूँ और आंगन में पुनः तुलसी माता को लगाएंगे। वृंदावन वासियों, माता कामधेनु की हम पर बहुत कृपा रही है, उन्होंने हमें बहुत गहरे संकट से उबारा, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी हम गौ उत्सव अवश्य मनाएंगे। अब सब जाके तैयारियां शुरू कर दीजिए, हम पूरे हर्षोल्लास के साथ इस बार गौ उत्सव मनाएंगे। तुलसी माता, आज मैं आपको आपकी अनुमति से अपने घर ले चलने आया हूँ। अरे यहाँ भी मेरी प्रतिमा? जिन्हें देखत मन ना घाए, ऐसो मेरे नारायण, सारे जग के जो भार उठाए, ऐसो मेरे नारायण। जय जय हरि हरि, जय कौन है जिसकी भक्ति मेरे मन को छू रही है? मेरे गोविंद, मेरे सखा, तुम्हें तुलसी अत्यंत प्रिय है ना? अब तुलसी माता सदा तुम्हारे समीप रहेंगी। जिसकी गैया भी अधिक दूध देगी उसी की गैया गौ माता बनेगी, तो बताओ तुम दोनों को स्वीकार है? हाँ
हमारी रत्ना तो गौरानी बनने के लिए हुई है। ठीक है, यदि ये बात है तो चलो प्रतियोगिता की तैयारी आरंभ करते हैं। देखते हैं किसकी गैया कितना दूध देती है। हाँ? चलो बड़ बोले लो, तुमने हमसे प्रतियोगिता का अच्छा नहीं किया। देख लेना, हमारी रत्ना गैया ही अधिक दूध देगी, उसके पश्चात मुँह छुपा कर फिरना पूरे ब्रज मंडल में। रक्षाड़ी गोपी देख लेना, हमारी नंदा रानी सबसे अधिक दूध देगी और उसके पश्चात तुम्हारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। अच्छा तो ये तेरी संतान है? हाँ आचार्य जी, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र सुदामा है। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र का उपनयन संस्कार करके इसको अपने गुरुकुल में स्थान दें और इसको पुरोहित बनने की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। हाँ आचार्य जी, आप मेरे पुत्र को अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आचार्य जी, ये बचपन से ही भक्ति में डूबा रहता है, सदैव भक्ति और गोविंद की बातें किया करता है, किंतु आपका ज्ञान प्राप्त करके इसकी बातें और इसका जीवन दोनों सुधर जाएगा। आचार्य जी, हमारी तो महिमा ही ऐसी है, हमारा ज्ञान प्राप्त करके महामूर्ख भी महापंडित बन जाता है, पर हम सबको तो अपना शिष्य नहीं बना सकते ना। जीतेगी भाई जीतेगी, काला कनंदा जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, काला कनंदा जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, आपकी रत्ना जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, काला कनंदा जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, काला कनंदा जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, आपकी रत्ना जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, काला कनंदा जीतेगी। गोपी मेरी बात मान लो। वाले, राधा को मानना मनाना नहीं, हमें तो बस जीतना आता है। अभी भी समय, अपनी रत्ना को लेकर चली जाओ, क्योंकि इस बार तुम्हारी रत्ना नहीं अभी तो हमारी नंदा जीतेगी। वाले, हमारी भी एक बात मान लो, यदि तुम्हें स्वप्न ही देखना है तो घर जाओ और माखन खाकर सो जाओ, स्वप्न अच्छे आएंगे। लक्षाड़ी गोपी बड़ बोले गोले। सुदामा क्या हो गया है तुझे? जो मन में आ रहा वही बोले जा रहा है। मैं पुनः कहती हूँ, जा क्षमा मांग उनसे। मैया मैं क्यों क्षमा मांगू? यदि मैंने कोई भूल की होती तो मैं अवश्य क्षमा मांगता, किंतु मैंने तो वही कहा है जो मेरा सत्य है। तुझे क्या पता कि सत्य क्या है? तूने कोई शास्त्रों का अध्ययन किया है क्या? पुट्ठू है तू, जा क्षमा मांग, चल चल तू। आचार्य जी, हमारे पुत्र से भूल हो गई, इसे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आचार्य जी इसे क्षमा। छूना मत मुझे, स्पर्श भी मत करना अपने अपवित्र हाथों से, क्योंकि भूल इस बालक की नहीं कपितु तुम दोनों की है। हाँ आचार्य जी, भूल हमारी है, हमने केवल भूल ही नहीं, तुम दोनों पति पत्नी ने अक्षम्य अपराध किया है। ये तुम दोनों के चारित्रिक गुणों का ही प्रभाव है कि ये इतनी धृष्टता कर रहा है। अशुद्ध है ये ब्राह्मण क्योंकि इसके माता पिता अशुद्ध हैं। तुम दोनों का मिलन अशुद्ध है, तुम्हारा संबंध अपवित्र है। आचार्य, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये ब्राह्मण का पुत्र है। हाँ ये तेरा पुत्र है और तू ब्राह्मण है, किंतु तेरी पत्नी वो तो ब्राह्मण नहीं है ना? वो तो ब्राह्मण नहीं है ना? बजरंगी काका जैसी काका जीतेंगे,
नियम नहीं जानती। कुश्ती में जो पहले हारता है वही अंतिम में जीतता है। मुझे धूल चटाना चाहता था, अब पता चला कौन किसको धूल चटाता है। दाऊ, आप ऐसे पक्षपात करेंगे तो निष्पक्ष निर्णय कैसे होगा? राधा, ये मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, किंतु जब कोई कुश्ती में भूल करता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। गैया कहाँ चली गई? अरे ये तो सावरे का स्वर है। सावरे, तुम्हारी मैया कहाँ गई? सावरे, मैं समझ गया, ये सब हमारे विवाद के कारण हुआ है ना? देखा, तुम दोनों के विवाद का दंड समस्त ब्रजवासी भुगत रहे हैं। अब तुम दोनों बताओ, गैया वापस कैसे आएंगी? दाऊ, गैया अवश्य वापस आएंगी। ग्वाले, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। तुम्हारी नंदा ही गौरानी बनेगी, किंतु तुम शीघ्र ही उन गैयों को वापस ले आओ। नहीं गोपी, भूल तो मेरी थी, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं गैयों को कैसे लाऊं? ग्वाले, तुम भूल गए, तुम्हारे पास तो ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि गैया ही नहीं उनके बछड़े भी खींचे चले आएंगे। ये लो ग्वाले, बजाओ बांसुरी। तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर सारी गैया स्वतः आ जाएंगी।
नहीं कर सकते। पुत्र हमें क्षमा कर देना, हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। हमारा जीवन ही तुम्हारी शिक्षा के मार्ग में व्यवधान बन रहा है। अब तुम्हारी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। नहीं मैया, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा, नहीं चाहिए ऐसी पंडिताई। मैं जीवन भर अशिक्षित बनकर जी लूंगा, किंतु आप लोग के बिना नहीं जी पाऊंगा मैया, नहीं जी पाऊंगा। मैया कृपा करके अपने निर्णय बदल लो मैया, बाहर आ जाओ, बाबा मैया को समझाओ ना। नहीं पुत्र, हमारा निर्णय अटल है। बस ये समझ लो कि तुम्हें अंतिम बार देखने के लिए ही हम जीवित थे। क्या तुम अपने मैया बाबा की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे पुत्र? अवश्य करूंगा मैया, मैं आप लोग के लिए कुछ भी करूंगा। तो फिर वचन दो तुम इस संसार के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे। वचन दो पुत्र। मैं वचन देता हूँ मैया, मैं आपके लिए इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बन के दिखाऊंगा। किंतु अभी अभी बाहर आ जाओ मैया, बाबा मैया को समझाओ ना। मैया, बाबा, नहीं नहीं बाबा, नहीं मैया। आप लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते भैया। बाबा आप लोग के साथ मैं भी अपना जीवन समाप्त कर लूंगा।